नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। इस वक्त हमें फरीदाबाद सेक्टर 14 में और हमारे सामने दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऐसा जादुई आविष्कार किया है कि लोग इनको जादूगर ही मानने लगे हैं। लोग इनको जादूगर मानते हैं और कहते हैं ये जादूगर है, इन्होंने जादू से यह आविष्कार किया है। लेकिन हम इनसे पूछेंगे इन्होंने क्या आविष्कार किया है, आखिर इन्हें जादूगर क्यों मानते हैं लोग। ये फरीदाबाद में ही रहते हैं, साइंटिस्ट हैं और ऐसा जादुई आविष्कार है कि दुनिया में किसी ने ऐसा आविष्कार नहीं किया है। इसलिए फरीदाबाद लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, भारत के लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सपोर्ट करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे तो इनको फ़ायदा होगा और बड़ी बड़ी कंपनियाँ और भारत सरकार इनके परिश्रम को रिकॉग्नाइज करेगी, इनके आविष्कार को देखेगी। इनसे बातचीत करते हैं, देख सकते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरवन सिंह है जी। सरवन सिंह, आपने कोई जादू किया है, कमाल किया है? नहीं सर, जादू तो नहीं किया, लेकिन एक पावर को जनरेट करने के लिए एक ऐसा सिस्टम जरूर बनाया है कि ताकि थोड़े खर्चे से ज़्यादा पावर मिले और हमारे देश का भला हो। अच्छा। आज ऊर्जा की जो बहुत कमी देखने को मिल रही है, कहते हैं कि कोयला भी काफ़ी कम हो गया है और डीजल पेट्रोल गैस भी काफ़ी बढ़ चुकी हैं, तो इस संदर्भ में हमें लगा कि हम एक ऐसा उपकरण तैयार करें, मैकेनिकल है ये, मैकेनिकल सिस्टम की जो कि थोड़ी पावर से ही ज़्यादा पावर जनरेट करेगा। अच्छा। तो उस चीज़ में हमने काफ़ी समय लगाया, हमें लगभग 16 साल लगे हैं। अच्छा, 16 साल लगे हैं? हाँ, 16 साल लगे हैं, रात दिन काम किया है और काफ़ी पॉइंटों पर काम किया है हमने व्हील पर। क्या आविष्कार किया है, पब्लिक का क्या फ़ायदा है, देश का क्या फ़ायदा है? ये पावर को बढ़ाने का एक सिस्टम है, जैसे कि हमारा 1000 का डीजल लगता है किसी भी कार्य करने में या हमें पावर लेने में, तो अब लगभग 200 रुपये का लगेगा, तो इतना लगभग कम हो जाएगा। फिर इसके साथ साथ पोल्यूशन कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी और साउंड पोल्यूशन है जो वो भी कम होगा, तो इसके बहुत सारे जाफे हैं। फिर हर कस्टमर का पॉकेट भी मजबूत होगा, आज बहुत बड़ा वजन आ रहा है हमारे जनता जनार्दन पे, तो हमने कुछ ऐसी मेहनत की है कि जो कि अब आप लोगों के लिए बड़ा हितकारी होगा। दिखाएँगे क्या आविष्कार है, कैसे काम करता है, कैसे चलता है, हर चीज़ आप बताइए ताकि पब्लिक आपका सपोर्ट करे, सरकार भी आपका सपोर्ट करे और बड़े बड़े जो बिल्कुल सर बिल्कुल भी। हाँ जी बिल्कुल, दिखाएंगे। आइए, आपने जो आविष्कार किया है सबके बस की बात नहीं, आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं इन्होंने क्या आविष्कार किया है। आप लोग शेयर ज़रूर करें ताकि इनकी मेहनत का फल इन्हें मिले और भारत की जनता को भी सस्ती बिजली मिले, सस्ता डीजल पेट्रोल मिले। देख सकते हैं लिखा हुआ है, न्यू नेचुरल पावर ग्रो सिस्टम, पेटेंट अप्लाई फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू इन्वेंशन बाय अंजू एंड स्वर्ण सिंह साइंटिस्ट एंड ग्रुप फ्रॉम हरियाणा इंडिया। इनका नंबर है 9213613597042664259। तो आप लोग देख सकते हैं यही है एनर्जी सिस्टम। अब इनसे बातचीत करेंगे, ये बताएंगे। भैया स्वरण सिंह आप ही हैं जी सर, आप बताइए कैसे काम करता है सर ये जो सिस्टम बनाया है। ये फार्मूला तो अभी क्लोज है अंदर, हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, वैसे सबके लिए डिस्क्लोज किया जाएगा कि हमने जो अंदर जो सिस्टम में मोटर ली है वो इस प्रकार के लिए जो ये दिख रही है। अच्छा। अंदर भी यही एक मोटर है, हमने इस मोटर को जब हमने पावर दिया, ये रेगुलेटर है, ये पावर को रेगुलेट करता है, हमने इसको 60 वाट 70 वाट 80 वाट 90 वाट जो भी हम पावर देते हैं उतनी ही अंदर जाती है, यानी कि दोनों के पास इक्वल जाती है, इस मोटर के पास भी और अंदर वाले के पास भी। अच्छा। जब हम इस मोटर को चलाते हैं तो ये मोटर हमारे हाथ से रुक जाती है, क्योंकि मेन पावर तो ये है। अच्छा। और अंदर की जो मोटर हम चलाते हैं वो जो उसका आउटपुट है वो रुक नहीं पाता, वो कई गुना फालतू है, जबकि कहते हैं कि पावर को बढ़ाया नहीं जा सकता, सभी लोग कहते हैं पावर को नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन हमने इस पर 16 साल लगभग लगे रहे हैं और पूरा काम इसका किया है, सेंटर ऑफ मास पर काम किया, व्हील पर काम किया, ग्रेविटी फोर्स पर काम किया, डेंसिटी पर काम किया, कितने व्हील रिमूव व्हील हमने बनाए हैं, एक नहीं बना, काफ़ी हमने इस पर प्रैक्टिकल किए, लेकिन जब हमें ये लगा तो बहुत अच्छा लगा, हम चाहते हैं कि जनता को ये मिले और उनका कार्य हो। अब जैसे ये मोटर चल रही है हमारी, मैंने अभी इसको बटन दबाया, देखिए ये मोटर चल रही है, सब देख रहे हैं इधर से, हम इस मोटर को बहुत ही आसानी से देखो ये रोक दिया मैंने। अच्छा, रोक दिया। देखो ये मैंने उल्टा भी घुमा रहा हूँ बैक, यानी कि जो पावर यहाँ से जनरेट हो रही है इसको, तो ये मोटर रुक गई। अब मैं दिखाता हूँ जी आपको, क्या वो भी मोटर रुकती है और पावर भी बढ़ा के दिखाते हैं। देखो हमने इसकी पावर देखो, को और बढ़ा दिया, और भी इस पावर को पावर कहाँ से लिया है आपने? ये यहाँ से लिया जी पावर, दिखाइए। देखिए यहाँ से मुख पैनल से लिया हमने, और ये मुख पैनल से ये यहाँ पर रेगुलेटर पावर लिया है, ये हमने करीब 70-80 वाट ली है सर। दिखाइए कहाँ है एसी में, देखिए ये अभी मैंने बढ़ाया था थोड़ा, अभी थोड़ा मैंने बढ़ाया है ये देखिए। अच्छा, दिखाइए
एक मिनट, हाँ ये 60-70 वाट है, देखिए 100 दिख रहा है लेकिन यहाँ पर पीछे सुई है, 70-75 वाट है, उसी से मोटर चलती है। अच्छा, तो अंदर भी उतनी ही पावर गई है। अच्छा, तो अब हम दिखाते हैं, जैसे हमने मोटर को इसकी रोक पावर को देखो बढ़ाने के बाद भी रोक सकते हैं। अब हमने बढ़ा दिया इसको 100 पे, बढ़ा दिया हमने 100 पे कर दिया सर। अब भी देखो, अभी मैं रोक रहा हूँ, देखिए 100 पे रोक दिया, हाँ रोक दिया ना, ये मेन पावर है जो हमने रोक दिया। अच्छा, सेम यही मोटर, सेम इसी पावर में अंदर ही एक ही मोटर है, कोई डबल मोटर नहीं। अच्छा, हाँ तो अब हम आपको दिखाते हैं आगे चल करके कितनी बढ़ जाती है, इसके बाद बताएं आप। कम से कम ये हमने जो अंदाजा लिया वो 4-5 गुनी बढ़ जाती है। 4-5 गुना बढ़ जाता है, हाँ 4-5 गुना बढ़ जाता है। हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं, मशीन चला के, हाँ हाँ बिल्कुल दिखाते हैं। अब जो मशीन दिखाते हैं हम आपको, दिखाएं दिखाई, हाँ चलाइए मशीन। ये हमने इसमें वाल गिरा है, जैसे मैकेनिकल सिस्टमों में होता है, इसमें एक वाल हमें गिरना होता है, जैसे कि पहले इंजन होता था। हाँ लगा, ये पहले पावर नाप से दिखा देते हैं, उसके बिना पावर नाप, पावर नाप सर इसकी और उसकी पावर नाप के दिखा देते हैं। हम इसमें पावर दिखाएंगे आपको, ये करो जीरो करो, ये यहाँ पे जीरो है, और जैसे मैं इसको यहाँ पे थोड़ा उल्टा दिखेगा आपको, क्योंकि इसको नीचे से मैं दिखाऊंगा, मैंने यहाँ पे लगाया है, ये देखिए ये बिल्कुल ब्रेक हो चुकी है, यानी 6 किलो पर, ये 5-6 किलो पर ये ब्रेक हो चुकी है, ठीक है जी। ये देखो मोटर रुक गई है, हाँ मोटर रुक चुकी है, फिर दोबारा से दिखा सकते हैं, ये 5-6 किलो पर रुक चुकी है। अच्छा, हाँ बिल्कुल ब्रेक है। अब यही हम तुम्हें वहाँ दिखाते हैं, यहाँ से देखो ऊपर ऊपर, देखिए जीरो करो, जीरो करते हैं हम अभी इसको, अब ये जीरो पे है, तो अब हम यहाँ पर लगाते हैं, देखो और खींचो उसको, 19 किलो, 16-18 और फिर भी रुक नहीं रहा है, अब भी नहीं रुक रहा है, देखिए और भी, और भी मैं खींचता हूँ, कितना ही लगा लो, रुकेगा नहीं, आगे आप आगे लगाओ, रुक नहीं रहा है ये, रुक नहीं पा रहा बिल्कुल भी, आप कितनी भी कोशिश करो, अब लगाओ कि 20 किलो 25 किलो मेरे से तो खिंच भी नहीं रहा है, 6 वहाँ पर था 18-19, अब भी नहीं रुक रहा है, 3-4 गुना पावर बढ़ गई, रुक भी जाता है वहाँ पर, भी नहीं रुक रहा, अब इसकी पावर को कहाँ तक नापे हैं, पावर बढ़ा दिया आपने, हाँ पावर, ये पहिए लगा रहे थे आप जो, अब पहिए, अब लाइट जला के दिखाओ, अब यहाँ पर दिखाते हैं हम आपको। तो दोस्तों हो सकता है आपको समझने में थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन ये साइंटिफिक आविष्कार है, काफ़ी मेहनत की गई है, इन्होंने पावर को बढ़ा दिया है, फिजिक्स का जो लॉ है उसको तोड़ दिया है कि पावर से पावर बढ़ाई नहीं जा सकती, इन्होंने पावर से पावर को कई गुना बढ़ा दिया है, और जो टेक्नोलॉजी है वो अंदर छुपी हुई है, ये पेटेंट के लिए अप्लाई किया गया, इसीलिए ये छुपा रहे हैं, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया इनके सूत्रों के बारे में, फार्मूले के बारे में, वो चोरी कर लेगा। अब देखिए कि ये मैंने चलाया, इसके ऊपर लगाना, सिस्टम लाओ, लगाओ ये छोटा सा अल्टरनेटर है, ये आपको ये बताएगा कि यहाँ पर ये क्या पावर जलाता है कि नहीं जलाता है, और उधर ये पावर कैसे जलाता है कि नहीं जलाता है। इसकी पावर को यहाँ पे कम करके दिखा दो, ये हमने इसकी पावर कम कर दी है, कितने नहीं वही रहने दो ना, जहाँ पे थी उसी सेम चलने दो, हाँ देखो सेम चलने दो, बिल्कुल सेम है, कम से कम दिखाओ ना, ज़्यादा का तो कभी देख लेंगे। अब ये मैंने अपने हाथ में छोटा सा अल्टरनेटर लिया है, मोटर इसी पावर से, पावर सेम है ना, मैंने मोटर चलाई है और मैं इसको धक्का दे रहा हूँ, खुद उठाएगी भी नहीं लेकिन वो रुकेगी भी नहीं, अभी अपनी रनिंग में चल रहा है, तो हम देखते हैं इसको थोड़ा सा और घुमा देते हैं थोड़ा, अभी थोड़ा और इसको जनरेट होने दो, अब मैं इस पे लगाता हूँ यहाँ पे,
अभी इसकी चूड़ियाँ चल रही हैं, फिर अल्टीमीटर को घुमाएगी अभी एक सेकंड के बाद, फिर आप देखना लाइटों पर नज़र करना, एक सेकंड के लिए जलेगी, फिर लाइट बंद करो, कोई दिख जाए। देखो ये जैसे अब जली है तो ये ब्रेक हो गई है, बिल्कुल ब्रेक हो चुकी है, ये रुक गया अभी। देखो यहाँ पर देखो ये जो ये व्हील है ये रुक चुका है, अब थोड़ी देर में मोटर फूक जाएगी, लेकिन अभी तक लोगों ने इस तरीका से पावर को लिया था, यहाँ पर पावर ज़्यादा लगती थी लेकिन पावर हमें कम मिलती थी, हमने ये एक्सप्लेन किया है कि अब कम पावर से हम ज़्यादा जनरेट करेंगे, वही हम आपको दिखा रहे हैं, तो हमें रोकें। अब यहाँ पर मोटर गर्म होती चली जा रही है, अगर हम हीट मीटर लगाएं तो आपको वो भी एप्लीकेशन मिलती कि यहाँ पर बहुत तेज़ी से हीट बढ़ती चली जा रही है, मोटर फूक जाएगी, ये मोटर अब गर्म होती चली जा रही है, यहाँ पे अब गर्म हो जाएगी, हीटर मीटर जो होता है ना वो बताता है इसको कि कितनी हीट पे पहुँची है, अब थोड़ी देर रोकेंगे तो मोटर फूक जाएगी, लेकिन हमने इसको रोक दिया है और अब इसको खोल दिया। और भी बढ़ा के दिखाते हैं, यहाँ से हम और भी बढ़ा के दिखा देते हैं, लेकिन हमारा कम पे भी चलाता है, अगर हम यहाँ से और भी पावर बढ़ा देते हैं तो अभी ये काम नहीं करेगा। देखो अब यहाँ पे आप दिखाओ मीटर, किस मीटर पे करो, हमने इसको अब हमने ये पावर और भी बढ़ा दी है, छोटा अब छोटे चलाओ ना, ये देखो, ये देखो सर मैंने इसको बढ़ा दिया लेकिन रुक जाता है, अगर मैं बहुत ज़्यादा जोर भी लगाऊंगा तो थोड़ी देर में रुक करके आपके हाथ में आएगी, देखो उंगली नहीं लगा, बिल्कुल रुक गया, यहाँ पर भी पावर है लेकिन हम कम पावर से भी करते हैं तो यहाँ पर रुक जाती है, आगे नहीं रुक पाएगी, आगे नहीं, आगे कम नहीं होगा। आप अपना दिखाइए सिस्टम, अपना सिस्टम दिखाइए, आप लोग देख रहे हैं न्यू पावर एनर्जी ग्रो सिस्टम है, थोड़ी सी एनर्जी से कई गुना एनर्जी को बढ़ा दिया जाता है, थोड़ी सी एनर्जी से कई गुना एनर्जी को बढ़ा दिया जाता है, ये साइंटिफिक इन्वेंशन है, फरीदाबाद के वैज्ञानिकों ने किया हुआ है, काफ़ी फायदेमंद है इस दुनिया के लिए। आप ये अपना सिस्टम दिखाएंगे, इसी मोटर से जो पावर ली गई है वो कई गुना पावर को बढ़ा देगी, उसके बाद ये लाइटें परमानेंट जलेंगी। तो इसको रोक नहीं पा रहे हैं। अब हम इसमें ये लगा रहे हैं, अब ये क्या पोजीशन पर करता है, कैसे चलता है, दिखाइए भैया दिखाइए, कमाल कर दिया आपने भाई। और लाइटों पर ध्यान दें, लाइटों पर ध्यान दे, हाँ क्या लाइट उस ऑप्शन में है या इसमें कुछ फर्क पड़ता है, अगर आप इनको अब देखो लाइट जलती रही है और ये जलती ही रहेंगी, लेकिन सिस्टम में अभी पावर से बची हुई है काफ़ी, हाँ ये रुकेगा नहीं, ये माइनस में नहीं होगा। अब लाइटियाँ लगातार लाइटें जल रही हैं, हाँ ये लाइट देखो, कोई नहीं रहने दो, ये जो लाइटें जली हुई हैं वहाँ पर नहीं जलती हैं, तो यहाँ पावर आ गई इतनी जल्दी, हाँ अभी पावर शेष बची हुई यहाँ पर, अभी और भी पावर शेष है, इसको जला भी रही है और शेष भी है, ये तो बंद है, कौन सा ये नहीं, मोटर तो चल रही है, ये मोटर चल रही है, देखिए वो मोटर तो चल ही रही है, वो पावर क्या कोई जादू वगैरह लगा रखे है, क्या है जादू वगैरह है क्या, ये नहीं सर, जादू नहीं है, ये मैकेनिकल बाईपास सिस्टम है, अच्छा जो कि अभी तक नहीं हुआ, कितने साल लगा आपको जो है, इसको सर करीब 16 साल लगे करके, 16 साल लगे, हाँ 16 साल की मेहनत है ये आविष्कार, आप इधर आओ, आप लोग देख रहे हैं, आप थोड़ा सा इनसे बातचीत करते हैं, बंद करो, अच्छा ये बंद करके दिखाओ थोड़ा, ये सर नहीं, ये सब, अब ये भी एक चीज़ देखने की है
कि जैसे मैंने रोक दिया है लेकिन अंदर का सिस्टम नहीं रुक पा रहा है, जबकि यहाँ पर मोटर फूक जाती है, यहाँ पर टूट जाना चाहिए था सिस्टम। इसमें कोई भी चैन, गिरारी, बेल्ट, कोई भी कपलिंग सेट नहीं है। मैकेनिकल बाईपास वर्ल्ड की पहली खोज होगी। रोक दिया मैंने और मैं जैसे छोड़ूंगा तो पूरी पावर से पूरी पावर लेके चलेगा। हाँ, अपने आप जैसे मैंने रोक दिया इसको, बहुत बड़े डायर से मैं रोक रहा हूँ, यहाँ से रोक दिया तो अंदर मोटर गर्म नहीं होगी, चाहे आपकी एक हफ्ता चलती रहे। अच्छा। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मास्टर पावर की। अच्छा। मैं साइंटिस्ट और अंजू से बात, काफी मेहनत किए हैं इस प्रोजेक्ट में। हाँ। नमस्कार, मैं अंजू आपको इसके बारे में कुछ खास बातें बताना चाह रहा हूँ। बंद कर दिए कुछ नहीं, चलने दो। इसके बारे में खास बात क्या है, कुछ लोगों के कमेंट आए थे, हमने पहले भी एक वीडियो शूट किया था कि भाई आपने साइंस पढ़ी होती तो ऐसी बातें नहीं करते, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि भाई पावर को बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन मैं आपको आप इसके एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताऊँगा जो आपने ना सुना होगा और जिस पर आप विश्वास करना पड़ेगा, जो मैं भी आपको दिखाऊँगा। चलने दो लोगों ने, चलने दो। क्या है कि अब से पहले किसी भी इंजन से और हम अल्टरनेटर को जोड़ते थे तो उसमें कपलिंग जुड़ती थी या गिरारी जुड़ती थी या फिर पटा जुड़ता था या फिर किसी भी तरीका की बेल्ट जुड़ती थी, उस तरीका से पावर लेते थे। और जब हम दूसरे सिस्टम को रोकते थे तो सेम सिस्टम भी रुक जाता था, उसमें कोई या गियर को रोक दोगे तो गियर रोक ही जाएगा या बेल्ट को रोक लोगे तो बेल्ट भी रुक जाएगी। लेकिन हमने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें इन किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट का यूज नहीं किया है, उधर से रोक दो फिर भी मोटर ऐसे ही चलती रहेगी, जो कि अपने आप में खुद चमत्कार है। अब तक लोगों का पावर लेने का जो तरीका था वो अलग था, हमारा पावर लेने का तरीका अलग है। मोटर को डायरेक्ट उससे नहीं जोड़ा गया है, बिना किसी गिरारी के, बिना बेल्ट के, बिना कपलिंग के, ये ऑटोमेटिक चलता रहता है। उधर से रोक देते हैं कि हम कोई क्लिच थोड़ी दबा रहे हैं, मोटर तो फूक जाएगी। हमारी मोटर रेगुलर चलती रहेगी, मोटर पे कोई दाब नहीं पड़ेगा किसी भी तरीका का। जो लोग कमेंट करते हैं, आके देखें सिस्टम को, अगर आपको कहीं भी फेक लगता है या कोई जादू लगता है, मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों में से एक हूँ या मेरे चाचा भी आप लोगों में से ही है, कोई जादूगर नहीं है किसी भी तरीका का, ये जादू नहीं है, ये रियल है, बिल्कुल ही रियल सिस्टम है जो आप लोगों के पास पहुंचाना चाहता हूं, देश हित में देना चाहता हूं। जो ऊर्जा का संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है उसको कम करने का मेरा उद्देश्य है कि कैसे भी इस ऊर्जा के संकट को कम किया जाए। छोटी सी पावर से बहुत ज़्यादा पावर का जनरेट किया जा रहा है, जैसे कि एक थ्री व्हीलर के इंजन से बहुत बड़े ट्रक को खींचा जा सकता है, जो कि असंभव था और वो मैंने संभव करके दिखाया है। मैंने इनको भी दिखाया है और धर्मेंद्र सर को मैंने ये भीतर से भी खोल के दिखाया था, क्योंकि मुझे लगा है कि ये टेक्निकल बंदे नहीं है, तो इसमें इस मोटर के अलावा कोई मोटर नहीं है, किसी तरीका का कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कोई यूज नहीं हुआ है इसके अंदर में, या कोई केमिकल यूज नहीं हुआ है, या कोई मैग्नेट यूज नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक फार्मूला है जो लगने के बाद में किसी भी इंजन की पावर को 1 से 10 गुना, 10 से 100 तक बढ़ा देगा। इसमें पावर को बढ़ाने के लिए भीतर थोड़ा सा कुछ करना पड़ता है, इसकी पावर को अनलिमिटेड बढ़ाया जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है, पावर इतनी रहेगी हमेशा। ये नहीं कि हमें पावर बढ़ानी पड़ेगी इसकी पावर को बढ़ाने के लिए। क्या कभी आप सरकार के किसी अधिकारी नेताओं से मिले जो है भाई अब ऐसा भी कर सकते हैं कि फरीदाबाद में मानो अगर 10 करोड़ रुपए की बिजली तेल रेल लगती है तो आप उसको 1 करोड़ कर सकते हैं जो है? नहीं सर, अभी तक हमारा ये सिस्टम प्रैक्टिकल नहीं था, अब हमारा प्रैक्टिकल है और अब हम मिलना चाहते हैं, कोई भी आए मिले देखे, जिससे कि भाई हम किसी भी पावर प्लांट पे काम करें और इसको लगाएं, जहाँ से बिजली की खपत पूरी नहीं होती, इसको लगाने के बाद में बहुत कम खर्चे में और सबको बिजली मिलेगी, बहुत बिजली में इजाफा होगा, गाड़ियों में पेट्रोल डीजल जो ज़्यादा लग रहा है वो नहीं लगेगा, जो जैसा कि मेरे चाचा ने बताया कि ग्लोबल पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और एनर्जी बढ़ाने का 100% सच फार्मूला है, किसी भी तरीका का कोई फेक नहीं है इसमें। ये फेक काम तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये मेरे चाचा सरवन हैं, इन्होंने शादी नहीं की और ये एक साइंटिस्ट हैं, इनके 2 पेटेंट ग्रांटेड हैं, वाटर ओवरफ्लो कंट्रोल सिस्टम और एक इंजन का चौकीदार, ये 2 हमें पेटेंट मिल चुके हैं, उनके पेटेंट नंबर भी हम आपको दे देंगे, ऐसा नहीं है कि। और उसी के ये वो भी चमत्कार है, उसमें भी लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मैकेनिकल सेंसर जो बनाया है वो हमने ही बनाया है, मैकेनिकल सेंसर नहीं होता था पहले, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर होता था, लेकिन हमने मैकेनिकल सेंसर बनाया है और वायरलेस भी बनाया है, मैकेनिकल सेंसर है वो भी वायरलेस है,
तो ऐसे ही वो भी लोग असंभव मानते हैं, लेकिन उसका पेटेंट है, लोगों के घर में हमारे लगे हुए हैं, 20 से 30 हज़ार घरों में हमारे सिस्टम लगे हुए हैं, इंस्टॉल हैं, और डेमो के लिए वो जो वायरलेस सिस्टम है वो भी लगा हुआ है। इसलिए इस वीडियो को फेक ना समझें किसी भी तरीका से। और हमने जो ये भाई बुलाए हैं, जो ये देखने के लिए आए हैं, पहले धर्मेंद्र जी आए थे, तो इन्होंने हमारी पहले भी मदद की थी, और दो भाइयों को लेके आए हैं आज। हम इस वीडियो को पैसे देकर नहीं बनवा रहे, बस सिर्फ इनकी ये इनको अच्छा लगा, इसलिए आज ये दो बंदों को और लेके आए हैं। मैं चाहता हूँ कि और लोग भी आएँ, इसे देखें और जन जन तक पहुँचाएँ, कैसे भी इसका प्रचार हो और मुझे इसका पेटेंट मिले। ठीक है सर। और मेरे चाचा जी का एक चैनल है, उसके बारे में चाचा जी बताएंगे। अच्छा, जो चैनल हमारा है, लोग अगर फेक समझते हैं मान लो ये सिस्टम, तो हमारा चैनल जो है वो ग्लोबल सेवर साइंटिस्ट सरवन सिंह है। अच्छा। इस पर हमारे करीब 18 वीडियो वो हैं, वो प्रैक्टिकल हैं, जो पूरी दुनिया को चाहिए, लेकिन अभी उनके सामने नहीं है। जैसे आप चैनल पर जाएंगे गूगल पे, तो फर्स्ट पेज पर ही आएगा और तुरंत लिस्ट खुलेगी, 16-18 प्रोजेक्ट चलते हुए आपको नजर आएंगे, और हर घर की, हर बंदे की, हर देश को उसकी आवश्यकता है, लेकिन अभी तक वो चीज़ आपके सामने नहीं है। वहाँ देखेंगे चैनल को, लगभग एक महीना पढ़ने में लगेगा आपको, क्योंकि पॉल्यूशन, पानी, एनर्जी ऑफ सोर्स, ऑक्सीजन और ट्रीज और कूलिंग के ऊपर हमने जो वर्क किया, ये पांचों फाउंडेशन बड़े हैं विश्व के लिए, इको फाउंडेशन क्रिएट हुआ है। तो आप हमारे चैनल पर, जो कि अंजू और हम दोनों ही उस चीज़ के क्रिएटर्स हैं, और दूसरा भी चैनल है, यहाँ पर सब कुछ वहाँ सच्चाई देख करके ही फिर आगे बढ़ें, हमारा कोई भी पॉइंट गलत नहीं हो सकता। आप सभी दर्शकों को हमारी तरफ से हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन और नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। तो आपने देखा, हमने आपको न्यू नेचुरल पावर ग्रो सिस्टम के बारे में बताया। आपको लगेगा कोई जादू है, लेकिन जादू नहीं है। आप लोग इनकी मदद करें, इनको सपोर्ट करें, ताकि बड़े बड़े रिसर्च सेंटर इनसे कॉन्टेक्ट करें और इनका इन्वेंशन, इनका आविष्कार आगे बढ़े, पब्लिक को इसका फ़ायदा मिले, इनकी भी यही मांग है। वीडियो भी शेयर करें। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।